एमपी में बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद सियासी महकमों में हड़कंप मचा हुआ है। चुनावी मैदान में 3 केंद्रीय मंत्री और 7 सांसदों को उतारकर बीजेपी ने ऐसा दाव खेला है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। लेकिन अब जो हो रहा है उसकी शायद बीजेपी को उम्मीद नहीं थी। सांसदों की उम्मीदवारी से क्षेत्रीय नेताओं का नाराज होना और उनके इस्तीफे। बीजेपी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा का प्रयोग दोबारा दोहरा रही है। माना जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश समेत दूसरे राज्यों में गुटबाजी के कारण सत्ता गंवाने के बाद पार्टी ने ये फैसला लिया है। उसने बड़े कद वाले नेताओं को विधानसभा चुनाव लड़ाकर गुटबाजी रोकने की कोशिश की, लेकिन क्षेत्रीय नेताओं के बीच असंतोष की आवाज उठने लगी है। बीजेपी ने सीधी विधानसभा क्षेत्र से 3 बार के विधायक केदारनाथ शुक्ला की जगह सांसद रीति पाठक को उम्मीदवार बनाया है। शुक्ला के समर्थक ने एक आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया था, जो कि सीधी पेशाब कांड से काफी ज्यादा खबरों में भी रहा था। इस कारण उनका बीजेपी से नाता टूट गया। रीति पाठक को उम्मीदवार बनाए जाने के बाद पार्टी के पूर्व सीधी जिला अध्यक्ष राजेश मिश्रा ने कई पदों से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा, मैंने पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन सीधी में बीजेपी के कई निकायों से इस्तीफा दे दिया है। मुझे इस फैसले से बहुत बुरा लगा। उधर सतना में 4 बार के सांसद गणेश सिंह को पार्टी ने इस भरोसे से टिकट दिया कि वो ये सीट कांग्रेस से छीन लेंगे। मौजूदा विधायक डब्बू सिद्धार्थ सुखलाल कुशवाहा ने पिछले चुनाव में बीजेपी को हार दिखलाई। 2003 के बाद बीजेपी को सतना में पहली बार 2018 विधानसभा चुनाव में हार मिली थी, जिसके बाद बीजेपी के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रत्नाकर चतुर्वेदी ने इस फैसले के विरोध में पार्टी छोड़ दी है। बीजेपी को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों और पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं के बीच गुटबाजी से भी जूझना पड़ रहा है। मैहर में सिंधिया समर्थक श्रीकांत चतुर्वेदी को टिकट दिया गया, जिससे मौजूदा विधायक नारायण त्रिपाठी नाराज हैं। त्रिपाठी ने अलग विंध्य प्रदेश की लड़ाई लड़ने के लिए विंध्य जनता पार्टी का गठन किया। उन्होंने कहा, मैंने बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया है, मुझे पार्टी से टिकट चाहिए ही नहीं था। मैं तय कर रहा हूं कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना भी है या नहीं। बता दें कि इससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ बयान दिया था कि मैहर को जिला बनाने का प्रस्ताव कमलनाथ सरकार में ही पास हो गया था, शिवराज सरकार ने सिर्फ मोहर लगाई है। इधर श्योपुर में पूर्व विधायक दुर्गालाल विजय को फिर से टिकट दिए जाने पर पार्टी के कार्यकर्ताओं में असंतोष है। विजय ने 2003 और 2013 का चुनाव जीता था, लेकिन 2008 और 2018 में वो हार गए थे। इसके बावजूद पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। बीजेपी के पूर्व जिला अध्यक्ष राधे श्याम रावत ने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर मनमानी का आरोप लगाया और गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। रावत ने कहा, पिछले 30 सालों से एक ही शख्स को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने कहा कि मीणा समाज के किसी भी शख्स को पार्टी में कोई पद नहीं दिया गया और एक ऐसे उम्मीदवार को टिकट दिया गया जो बड़े अंतर से हार जाता है। तो वहीं उज्जैन के नागदा खचरोद में डॉक्टर तेज बहादुर सिंह को उम्मीदवारी मिली है, जिसका पार्टी के जिला समन्वयक लोकेंद्र मेहता ने विरोध किया है। मेहता ने पार्टी छोड़ दी है और निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। मेहता ने कहा, मैं 25 सालों से बीजेपी में हूँ और हिंदुत्व की विचारधारा और केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को प्रचारित करने के लिए हर गाँव गया हूँ। उन्होंने जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर चैम्बर में बैठने वाले नेताओं को टिकट दे दिए हैं। हम कांग्रेस के गढ़ में नेताओं को ऊपर से उतारने की रणनीति को समझ नहीं पा रहे हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।